So we will continue whenever you like. You can give me a call and we can speak. So Namo Namah Krishna ji. Krishna ji, can you hear us? Okay, let's see if I can unmute Krishna ji. Krishna Mahode, I am trying to let you speak. जी Can you hear me? आपको मेरी आवाज आ जी रही है? सबके वीडियो गायब हो गए. शिवानी जी, वैभवी जी, आप लोग कहाँ गए? वैभवी जी प्रॉबली हॉस्पिटल में होंगी शायद, तो इसलिए अपने दर्शन देना उनके लिए मुश्किल होता है कभी कभी. बट हमको आपको देख के अच्छा लगता है वैभवी जी. यू कैन ऑलवेज, वेन एवर यू कैन. तो कृष्णा जी, आप अपना वीडियो चालू कर सकते हैं? कैन यू स्टार्ट योर वीडियो ऑल्सो इफ पॉसिबल? और नहीं हो रहा तो कोई मुश्किल नहीं है. वो तो अब आज आप पहली बार आए हैं इसलिए हमने सोचा कि हर किसी के दर्शन कर लें. जी सर ओके, तो चलो मैं अपने यहाँ से एक फाइल पहले शेयर करता हूँ अपने स्क्रीन पे, तो आपको जैसे ही दिखेगा मुझे बोलिएगा. अभी मैं इसमें लिखना चालू करता हूँ ज़रा, तो फिर आप बोलिए कि दिख रहा है क्या. जी सर शिवानी जी, आपको दिख रहा है ये स्क्रीन पे मैं जो लिख रहा हूँ? रहा ठीक है, तो यदि आप में से कोई भी फ़ोन पे है तो ये हो सकता है छोटा दिखे, तो ये तो आपको ही देखना पड़ेगा कि उसको कैसे बड़ा करके या किस तरह से देखा जाए. पर हम जब बातें करेंगे तो हम बीच बीच में कुछ कुछ चीज़ें स्क्रीन पे यहाँ पे लिख के भी देखेंगे. और मैं आपसे भी आशा करता हूँ कि आप भी यदि कुछ पेन पेंसिल पे कागज़ कलम लेके बैठे हैं तो उसको आप साथ में लिख के भी देखते जाइए. और वैसे जो भी करना होगा मैं बताता जाऊंगा, तो आपको खैर इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं. तो आज सबसे पहले हम एक दूसरे के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. तो कृष्ण जी, आप बताना चाहेंगे आपका नाम, आप क्या करते हैं और आपका संस्कृत में कैसे रुचि है और आगे क्या आगे की कोई योजनाएं हैं यदि कुछ तो बताइए आप अपने बारे में. जी महोदय, मैं कृष्ण कुमार पांडे प्रयागराज से हूँ अरे वाह. और मैंने बीएड की तैयारी मुझे करनी हाँ थी, इसलिए मैं जो है संस्कृत, मतलब पहले सोचा कि मैं संस्कृत से हूँ तो मुझे संस्कृत बोलना और संस्कृत समझना आना चाहिए, हाँ तो इसके लिए मैंने जो है संस्कृत कक्षाएं खोजना शुरू किया। तो आज मुझे आपसे जो है आपका सानिध्य मुझे मिला और मैं आशा करता हूँ कि मुझे आगे जो है संस्कृत सीखने में आपके द्वारा मार्गदर्शन मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग सब मिलजुल के सीखने वाले हैं. तो आप अब जब जुड़ गए हैं तो आपकी जैसी श्रद्धा है आप बिल्कुल सारी कक्षाओं में आते रहिए, तो आपको आनंद भी आएगा और सब लोग मिलजुल के हंसी मजाक करते हुए संस्कृत सीखते हैं तो एक मज़ेदार आनंद वाली चीज़ भी होती है.
और हम अपनी संस्कृति, अपने भारत के कई सारे ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में, मंत्रों के बारे में, श्लोकों के बारे में सब वो भी समझते हैं धीरे धीरे। तो बहु चहुमुखी विकास होता है, मजा आता है। और आप प्रयागराज से हैं तो वैसे ही आप इतनी श्रद्धेय शहर से हैं कि हमको तो, मुझे तो जान के इतना बढ़िया लग रहा है कि अब जैसे ये सब खुलेगा तो एक बार मुझे वैसे भी प्रयागराज और अयोध्या नगरी के दर्शन करने ही हैं। और जब से प्रयागराज का नाम वापस प्रयागराज पड़ा है तो वो अपने आप ही उसका महत्व बढ़ गया है, क्योंकि पहले तो वही नाम था। अच्छा हुआ है कि प्रयागराज का अपना प्रयागराज हो गया है, तो ये तो हमारी संस्कृति के लिए बहुत अच्छा है। तो आप बीएड करने वाले हैं या आपका चालू हो गया है? मुझे तो तैयारी करने के लिए जो है उत्सुक है, अभी तैयारियां कर रहे हैं तो शुरू नहीं किया है। अच्छा, तो इसकी आपकी जो परीक्षा होगी वो संस्कृत के लिए भी होगी या फिर वो आगे जाके आपको सीखने का मन है? मतलब संस्कृत का उससे उस बीएड के अंदर भी कोई रोल होगा? के लिए ही होता है, मतलब जो शिक्षा क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो उनके लिए बीएड होता है। और बीएड कुछ नहीं, बस अपना विषय संस्कृत है, संस्कृत साहित्य से मैं था, तो इसलिए जो है मैं सीख रहा हूँ। अच्छा, और आपको हमारी ये जो कक्षा है इसके बारे में आपके किसी मित्र से पता चला? मतलब कैसे पता चला? महोदय, मैं आज फेसबुक में खोज रहा था तो आपकी आईडी मुझे मिली अंशु सिंगारे जी के अच्छा नाम से, अच्छा तो अरे वाह, तो उसमें हम आपका ये जो है मिला। समझ गया, ठीक जी है। जी तो मैं आप को मैंने अपने जो संस्कृत का एक समूह बना हुआ है व्हाट्सएप में, उसमें तो मैंने जोड़ ही दिया है। तो आज शाम को मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, और ये चीज़ शिवानी जी को तो थोड़ी बहुत पता है पर फिर भी मैं बता देता हूँ। तो हर शनिवार और रविवार को अभी हम लोग जी 4 बजे शाम को इस कक्षा में जुड़ेंगे, ठीक है? तो ये है हमारा बैच 2 है, ये समूह नंबर 2 है ये। कक्षाएं मतलब प्रतिदिन नहीं चलेंगी? प्रतिदिन यदि आपकी इच्छा है तो वो हम चला सकते हैं। असल में क्या होता है कि अभी ज्यादातर लोग जो कक्षा में आते हैं वो लोग कहीं काम कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो उनको शाम को, और वो भी सिर्फ शनिवार रविवार को ही समय मिलता है। तो फिर हमने इसलिए शुरुआत में शनिवार रविवार रखा है, पर यदि आपको बाकी दिनों में भी सीखना है तो फिर मैं आपसे अलग से बात कर लूंगा अभी इस कक्षा के बाद में, तो फिर हम चालू कर सकते हैं, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। जी महोदय, क्योंकि पहले तो पिछले महीने तक हमारी कुछ छोटे बच्चों की भी और बड़ों की भी हर दिन वाली कक्षाएं भी चल रही थी, लेकिन फिर अब वो बच्चों का कुछ और पढ़ाई आ गई स्कूल की, तो अभी वो रुक गया है। तो अभी पूरे दिन जो है सोमवार से लेके शनिवार तक चलने वाली जो कक्षा है वो अभी रुकी हुई थी, पर आप हम बात करते हैं अभी इस कक्षा के बाद, फिर हम लोग चालू कर सकते हैं, ठीक है? तो ये समूह नंबर 2 है जो शाम को 4 बजे शनिवार और रविवार को अभी चलेगा। और जी ये महोदय, जो तो जो समूह नंबर 1 है उसमें वो क्या प्रतिदिन चलता है? उसके बारे में ही बता रहा हूँ मैं, तो अभी जो शाम को 7 बजे इन्हीं दोनों दिनों में, शनिवार और रविवार को ही शाम को 7 से 8, 8 से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादातर 8 साढ़े 8 तक भी चला जाता है। तो ये जो है समूह नंबर 1 है जो अभी लगभग 4 महीनों से जुड़ा हुआ है इन संस्कृत कक्षाओं से। तो हम समूह नंबर 1 में हम
काफ़ी अभी अलग स्तर पे चल रहे हैं। और पर वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हर कोई धीरे धीरे जैसे जैसे सीखता जाता है, समझता जाता है, एक दूसरे से भी मिलजुल के काम करना और पढ़ना सब चालू करने लगते हैं, तो वो स्तर बदलता रहता है। तो ये समूह नंबर एक जो है वो भी हर शनिवार और रविवार को होता है। आज शाम को जी भी मैंने आपको, जैसे अभी ग्रुप में मैंने आपको जोड़ा है ना, मेरे ख्याल से नहीं, मैंने अभी ग्रुप में आपको नहीं जोड़ा है शायद, आपका मैसेज क्योंकि कक्षा चालू होने के बाद में आया, तो मैं कक्षा के बाद जोड़ दूंगा। तो फिर क्या होगा कि 7 बजे फिर से आपको एक और अगली मीटिंग के लिए भी मैसेज आएगा, तो वो समूह नंबर एक की है। आप और कोई इसमें रुकावट नहीं है, आप जिस समूह में जब जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं, क्योंकि हर एक में अलग अलग चीज़ें चल रही हैं। जैसे आज आपको वेद मंत्रों को उच्चारण शुरू करने के पहले कुछ प्रार्थनाएं होती हैं, तो वो प्रार्थनाएं कैसे करते हैं, उनका उच्चारण कैसा है, उनकी धुन कैसी है, उनमें कौन सी मात्राएं होती हैं, उस सब की जानकारी, सिर्फ जानकारी नहीं है वो, हम लोग कक्षा के दौरान पूरा वो करते हैं, हर कोई बोल के दिखाता है कि ये ऐसे बोलेंगे वो वैसे बोलेंगे, तभी शिक्षक जो है आगे बढ़ते हैं। तो आपको, आपका मन है तो आप उसमें भी कभी भी जुड़ सकते हैं, जब भी चाहे वो मीटिंग की लिंक पे क्लिक कीजिए, वो अपने आप जैसे अभी चालू हुई है वैसे वो वाली भी चालू हो जाएगी। तो दोनों दिन यही होगा, अभी शनिवार और रविवार को, इन दोनों समूहों के लिए। अब यदि डेली वाला आगे का हम चालू करते हैं तो हम देखेंगे, उसके लिए मेरे ख्याल से एक अलग समूह बनाना पड़ेगा, क्योंकि बाकी बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ सप्ताहांत पे ही आ पाते हैं कुछ लोग, तो उनके समूह अलग चलेंगे, और डेली वालों के समूह थोड़े फास्ट थोड़े जल्दी चलेंगे, क्योंकि अपन यदि हर दिन पढ़ेंगे तो ज़्यादा जल्दी पढ़ाई होगी। ठीक है, तो चलिए, आपको इसकी जानकारी तो मिल गई और आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। तो होता ये भी है कि हम हर कक्षा को रिकॉर्ड भी करते हैं, तो कक्षा के बाद आपको लगभग 2-3 घंटे में वो रिकॉर्डिंग को हम अपलोड कर देते हैं जैसे समय मिलता है, और फिर उसकी लिंक जो है ग्रुप में भेज देते हैं, तो हर कोई, किसी ने यदि छूट भी गया कभी तो वो रिकॉर्डिंग देख के भी पूरा समझ सकता है। पर हम आशा ज़रूर करते हैं कि आप कक्षा में आ पाएँ, क्योंकि रिकॉर्डिंग सुन के या देख के उतना फ़ायदा होगा वो तो मैं नहीं कह सकता, जितना आपको यहाँ पे कक्षा के दौरान साथ में रहने पे होगा। क्लास करेंगे जो आपने समय दिया है, मुझे आशा है कि समय में मैं उपस्थित हो पाऊंगा। और जैसे मान लीजिए अगर 4 बजे वाली कक्षा है तो हो सकता है कि थोड़ा विलंब हो, या क्योंकि मैं उस समय पंडित भी हूँ तो थोड़ा अनुष्ठान भी चलता है मेरा, तो उस समय हो सकता है कि अच्छा, मैं समूह नंबर 2 में उपस्थित ना हो पाऊँ, या उपस्थित रहूँगा तो बोल नहीं। हाँ वो आपकी मर्जी है, साथ उसमें कोई क्लास में परेशानी नहीं। जी, तो उसमें भी मेरा महोदय थोड़ा ये है कि आधे घंटे ही मैं उपस्थिति दे पाऊंगा, क्योंकि 7:30 बजे से मेरा भोजन रहता है, तो मैं 7:30 बजे भोजन के लिए चला जाता हूँ। अच्छा हाँ ठीक है, तो वो आपकी चीज़ है, क्योंकि मतलब सब लोग साथ में रहते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो आपकी मर्जी है, आप जब उसमें मीटिंग में जुड़ते हैं आराम से आ सकते हैं, बस अपना माइक बंद रख सकते हैं, तो सिर्फ सुनने के लिए भी यदि हैं तो वो आप बस शिक्षक को बता दीजिए, क्योंकि आज मतलब जैसे शाम वाली जो कक्षा होती है उसमें एक शिक्षक हैं, वो शिक्षिका हैं, वो अलग हैं, और जो अभी 4 बजे वाली है और कल वाली जो है उनमें मैं लेता हूँ, तो हम लोग मिलजुल के ये पढ़ाई लिखाई करते हैं। जी, और इसके बावजूद जैसे आपने कहा कि वीडियो जो रिकॉर्डिंग होती है वो वीडियो भी शेयर कर देंगे, तो वो अगर शेयर हो जाएगी तो बहुत हेल्प हो जाएगा मुझे उससे। हाँ बिल्कुल, तो वो तो आएगा ही आपके पास हर कक्षा के बाद, अगले दिन तक, ज्यादा से ज्यादा अगला दिन हो जाता है, कभी कभी काम इतना ज्यादा होता है कि तुरंत नहीं होता, बट अगले दिन तक आ ही जाएगा वीडियो। ठीक है, तो शिवानी जी आप कुछ कहना चाहेंगी ताकि कृष्ण जी को भी समझ जाए कि आपके बारे में।
हाँ बिल्कुल। अच्छा, मैं शिवानी ओझा मुंबई से हूँ। मुंबई में की पैदाइश हूँ, यहीं पली बड़ी हूँ। ना हूँ मैं बनारस के आगे एक जगह है बलिया से, अरे यहाँ पे मैं पढ़ाई लिखाई हुई। उसके बाद एज अ टीचर, कंप्यूटर टीचर, एक स्कूल में काम किया 10 साल। फिर वो छोड़ के फिर 5 साल अपना रिक्रूटमेंट का बिजनेस चलाया। फिर अनफॉर्चुनेटली मम्मी की तबीयत खराब हो गई, तो सब काम दाम छोड़ के मम्मी की तबीयत का ख्याल रखने का कोशिश किया। फिर 2019 में मम्मी की डेथ हो गई, तो उसके बाद फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है की देखभाल करनी है। तो अभी फिलहाल मैं कुछ ऐसा फुल फ्लेज काम नहीं कर रही हूँ। मैं सोशल एक्टिविटीज में थोड़े बहुत इन्वॉल्व हूँ, जैसे कि हम हर हफ्ते, बिफोर लॉकडाउन हम हर हफ्ते जाते थे यहाँ पे वाशी में, मैंग्रूव्स है, तो मैंग्रूव्स क्लीन अप ड्राइव्स रखते थे, तो वो हम हर शनिवार को रखे थे। उसके अलावा हमारा थोड़ा बीजेपी से इन्वॉल्व हूँ, तो उसका स्कीम्स के प्रचार प्रसार का काम, तो ये सब होता रहता था। अनफॉर्चुनेटली अब ये लॉकडाउन का पीरियड इतना अच्छा टाइम है, मैं बोलूंगी इसको, कि हमको काफी लोगों से मिलने जुलने का समय मिल गया। और इसी बहाने संस्कृत क्लास का भी संयोग बैठ गया, तो संस्कृत भी सीखने को मिल रही है। तो आई वुड से कि हाँ, ये अच्छा है। हर चीज को पॉजिटिवली लिया जाए तो सब कुछ अच्छा ही है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि कुछ सीख सके, इस टाइम का सदुपयोग कर सके। दैट्स इट। और मैं अच्छू जी के फर्स्ट बैच को ज्वाइन किया था, मैंने ज्वाइन किया था, बट उस वक्त टाइमिंग का मुझे शाम के टाइमिंग का इशू होता था, 7 to 8:30 का। तो काफी दिन से ये रिक्वेस्ट चल रही थी मेरी कि अंशु जी 4 बजे का क्लास शुरू कीजिए, दिन का क्लास को ही शुरू कीजिए। तो फाइनली यार, उसके लिए धन्यवाद महोदय, अंशु महोदय धन्यवाद। अरे धन्यवाद क्या है, ये तो अपना देश का काम है। संस्कृत पढ़ना, सीखना, सिखाना सब अपनी, ये तो जरूरी है हर किसी के लिए। तो अच्छा है, जितनी कक्षाएं चालू होंगी और मजा आएगा। कृष्ण जी जैसे अभी कह रहे हैं कि हर दिन वाला फिर से चालू कर लेंगे, तो हो सकता है उनके साथ और दो चार लोग और जुड़ जाएं हर दिन के लिए भी, तो देखेंगे कैसे होता है। चाहते वैभवी जी आप कुछ कहना चाहेंगे? हैं कि कक्षाएं जो हैं, हाँ बोलिए कृष्ण जी, सॉरी। जाएंगे और क्लास में, मतलब हमारे साथ की है, तो वो चाहते हैं कि हमें क्लास में मिले जो है संस्कृत की, तो हम जो है पढ़ना चाहते हैं। तो अगर प्रतिदिन की क्लासें चलेंगी तो उसमें भी काफी लोग आ जाएंगे। हाँ तो हम बात कर लेते हैं फिर, मैं प्रतिदिन के लिए भी कुछ एक समय निश्चित करके फिर मैं आपको बता दूंगा कैसे होगा। ठीक है वैभवी जी, आपकी आवाज हाँ, थोड़ी मुझे ब्रेक हो रही पता है। नहीं था कि मुझे पता नहीं था कि ये फ्रेश क्लासेस है। थॉट इट वाज द नेक्स्ट लेवल ऑफ बैच 1, वो मुझे नहीं पता था, तो ऐसे ही आ गई हाँ वैभवी जी वैसे हमारे दूसरे बैच में भी हैं, तो उनको लगा कि ये वो वाली ही कक्षा चालू हो रही है, तो चलिए फिर हम चालू करते हैं। तो आज क्योंकि पहली कक्षा है, तो पहले थोड़ा सा संस्कृत के बारे में समझ भी लेते हैं कि दुनिया में संस्कृत जो है उसका स्थान क्या है। तो दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक संस्कृत है, और संस्कृत इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण और बहुत रुचिकर भाषा है क्योंकि भले ही ये भाषा कम आज से 12 हज़ार 20 20 हज़ार सालों पहले से चली आ रही है,
लेकिन आज भी ये जिस तरह से उन दिनों में उपयोग होती थी, ये बिल्कुल उसी तरह से आज भी उपयोग होती है। तो ना इसका व्याकरण, ना इसके शब्द कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो आप बाकी कई भाषाओं में देखते होंगे कि वो समय के साथ उनमें कुछ कुछ बहुत मूलभूत परिवर्तन भी आने लगते हैं, लेकिन संस्कृत जो है सिर्फ बढ़ती जाती है। मतलब नए शब्द जुड़ते जाते हैं, वो बिल्कुल होता है, लेकिन जो उसके व्याकरण के सिद्धांत हैं उनमें कभी कोई बदलाव नहीं आता। तो आज तक बिल्कुल वैसी की वैसी है जैसी आपको रामायण महाभारत के समय पे संस्कृत थी या उसके भी पहले रही होगी, बिल्कुल उसी तरह है। तो जो पाणिनि ने, एक पाणिनि करके ऋषि हुए हैं, उनको इस तरह से लिखा जाता है, पाणिनि, और इंग्लिश में उसको PANINI लिख देते हैं लोग, पर उसमें उच्चारण की थोड़ी त्रुटि हो जाती है क्योंकि पाणी नहीं है। तो यणा जो है इसको अंग्रेजी में प्रोनाउन बोलना संभव ही नहीं है। तो पाणिनि जी ने उसका व्याकरण बनाया था और वो बिल्कुल वैसे का वैसा है आज तक भी। और जो दुनिया का सबसे पुराना साहित्य है, वेद, पुराण, और हमारे और भी कई सारे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जो समय समय पे अलग अलग लोगों ने, जैसे एक एक रत्नाकर करके एक ग्रंथ है जो कि रसायन शास्त्र के ऊपर लिखा गया था बहुत पुराने ज़माने में, तो वो भी सब संस्कृत में था। और ये सब कुछ हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में ही हुआ है। तो आज का जो भारत है इससे काफी बड़े जगह पे, बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था भारत, और वो भी जो साहित्य है संस्कृत का, वो भी आज तक वैसी का वैसा है। और आज जो है संस्कृत ज्यादा से ज्यादा लोग बोलना भी चालू कर रहे हैं। वैसे तो स्कूलों में सबके संस्कृत का पठन पाठन होता है, लेकिन अब किताब से पढ़ना और सिर्फ परीक्षा के लिए पढ़ना एक अलग चीज़ है, लेकिन संस्कृत को आपके हर दिन के बोलचाल में आ पाना या ला पाना एक थोड़ी सी अलग चीज़ है। तो यदि हम स्कूल में किसी को संस्कृत पढ़ता हुआ देख रहे हैं, हमारे आसपास कोई भी बच्चा हो या बड़े लोग भी पढ़ते हैं संस्कृत, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे ही पढ़ते हैं, तो यदि हम देख रहे हैं किसी को भी कोई संस्कृत पढ़ रहा है, तो उनको बढ़ावा देते रहिए कि संस्कृत में बात करें, या आप उनसे खुद संस्कृत में थोड़ा बहुत बात करने की कोशिश कीजिए। जैसे आज या हम अपनी अलग अपनी धीरे धीरे कक्षाओं में सीखेंगे कि एक दूसरे से नाम कैसे पूछना है, एक दूसरे का परिचय कैसे पूछना है। तो ये जो संस्कृत कक्षा है, इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हर कक्षा के बाद आप घर पे या अपने मित्रों के साथ जाके तुरंत संस्कृत में छोटे छोटे सरल वाक्य पूछ सकेंगे, बोल सकेंगे, उनको भी सीखने मिल जाएगा यदि किसी को रुचि होगी। तो काफ़ी सारे फायदे होंगे इस कक्षा से। अकेला ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही सीख रहे हैं, आपके आजू बाजू के दो चार लोगों को और भी पता चलने लगेगा कि संस्कृत में कुछ अच्छा चल रहा है, अच्छा काम चल रहा है। और अभी संस्कृत के लिए भारत के बाहर भी कई देशों में रिसर्च और पढ़ाई चालू हुई है, कुछ कुछ समय से चल रही है, अब तो 10-15 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं जब से ये चल रहा है। जर्मनी में है और भी कई जगहों पे आज कल संस्कृत की पढ़ाई चालू हो गई है, पर उसका गढ़ तो भारत ही है, और भारत से ये कहीं इधर उधर ना गायब हो जाए उसके लिए हम हमेशा प्रयासरत रहेंगे। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि संस्कृत के ऊपर, संस्कृत को अपना उद्गम मान के, संस्कृत की मदद से 100 से भी ज़्यादा भाषाएं दुनिया में बनी हैं। तो असल में वो संख्या जो है 126 है, और भी थोड़ी ज़्यादा बढ़ सकती हैं, पर 100 से ज़्यादा भाषाएं संस्कृत पे आधारित हैं। तो इसका फायदा ये है कि यदि हमको संस्कृत समझ में आने लगे, बोलना पढ़ना
लिखना, तो उससे आप मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, और भी बहुत सारी भाषाएं हैं जिनमें संस्कृत के बहुत सारे शब्द उपयोग होते हैं। तो आपको यदि मान लीजिए हिंदी, हिंदी भी एक ऐसी भाषा है जो संस्कृत पे आधारित थी शुरू में, तो यदि आप हिंदी नहीं भी बोलते हैं शुरू में तो भी, क्योंकि आपको संस्कृत आती है, तो मराठी, तमिल, तेलुगु और हिंदी और भी कई सारी भाषाएं थोड़ी 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 कहीं ना कहीं समझ में आने लगेंगी। तो संस्कृत सीखने का वो भी एक बहुत बड़ा फायदा है। तो चलिए अब हम चालू करते हैं, और मेरे ख्याल से कृष्ण जी का नेटवर्क शायद कुछ गड़बड़ा रहा है, एक दो बार आके ज्वाइन करके भी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, शायद आएंगे फिर से। और एक और चीज़ मैं बताना चाह रहा था कि दूरदर्शन पे भी एक संस्कृत समाचार का कार्यक्रम हर दिन होता है। तो जैसे हमारे जो दैनिक समाचार होते हैं उनका एक संस्कृत में भी प्रसारण होता है। तो आप जिस जैसे ये वाली कक्षा कर रहे हैं तो उस प्रसारण को भी देखना चालू कर सकते हैं या सुनना चालू कर सकते हैं। तो थोड़ी आदत पड़ेगी, थोड़ा उधर से भी ज्ञान बढ़ेगा, क्योंकि उसमें तो पूरे के पूरे समाचार संस्कृत में बताए जाते हैं, तो वो एक अलग ही चीज़ है, तो उसमें भी आपको आनंद आएगा। चलो तो अब जो है, एक छोटी सी चीज से हम चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम ओम का उच्चारण करेंगे, और ये हर कक्षा में शुरुआत में करेंगे, क्योंकि और इसका महत्व है, बहुत गहरा महत्व है। आपने देखा होगा शायद कुछ लोग कहीं कुछ लिखना चालू करते हैं तो उसमें पन्ने के ऊपर ओम लिखते हैं, और ये भी मालूम होगा कि हमारे जो ज़्यादातर मंत्र हैं, श्लोक हैं, और श्लोकों में कम लेकिन ज़्यादातर मंत्रों में हमेशा ओम से शुरू होते हैं मंत्र। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि इसको थोड़ा सा विभाजित करेंगे तो आपको पता चलेगा, और शायद ये कुछ लोगों को पहले से भी पता होगा कि ओम जो है अ उ और म, तीन अक्षरों से मिलके बना है। तो शुरू के जो दो हैं ये स्वर हैं और आखिरी वाला जो है व्यंजन है। अभी एक चीज़ छोटी सी कि ये कक्षा अभी 5 मिनट में अपने आप ख़त्म हो जाएगी, मतलब ये मीटिंग ख़त्म हो जाएगी, तो एक बार फिर से उसी लिंक पे क्लिक करके आप शुरू कर लीजिएगा, क्योंकि वो टाइम लिमिट रहती है। तो यदि डिस्कनेक्ट होगा अभी अपने आप तो फिर से लिंक से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो अ उ और म, ये तीन अक्षरों से मिलके ओम बना है। तो इसको ओम बोलने की जगह, जो कि थोड़ा सा विकृत रूप है ओम का, क्योंकि ओम में क्या होता है कि म तो आता है पर अ और उ जो है वो थोड़े से मिलजुल के ओ बन जाते हैं, उससे थोड़ा लाभ होगा पर ओम से जितना लाभ होगा उतना ओम से नहीं होता। अब लाभ जो है मैंने क्यों बोला, क्यों, तो उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे एक मानव शरीर बनाना पड़ेगा, और फिर समझेगा कि मैं कैसी कलाकारी कर रहा हूँ मुझे नहीं पता, पर थोड़ा सा समझाने लायक जितना होगा। अच्छा तो अब ये, चलिए इसको थोड़े वस्त्र भी पहना देते हैं, तो बढ़िया। तो अब जो है अ उ और म, इसके जब मैंने लाभ के बारे में बात की
तो सबसे काम की चीज़ क्या है समझने की, कि आपने शायद सुना होगा या कई लोगों को पता भी होगा कि हमारे शरीर में चक्र होते हैं, ऊर्जा के चक्र होते हैं। तो वैसे तो काफ़ी ज़्यादा चक्र होते हैं, 114 चक्र होते हैं, पर उनमें से प्रमुख 7 चक्र होते हैं जो कि हम सर्वेशम नमो नमः। हम लोग बीच में मीटिंग बीच में लगभग 50 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाती है, तो फिर से शुरू किया है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जो औम के अक्षरों का उच्चारण है, अ उ और म, अलग अलग, इसका क्या महत्व है। तो आपने हमारे शरीर में चक्र होते हैं, तो 7 प्रमुख चक्र होते हैं, और वैसे तो काफ़ी होते हैं, 114 चक्र होते हैं, पर प्रमुख चक्र 7 होते हैं, तो अभी हम उनके बारे में ही जानते हैं। शायद आप में से कुछ को ये चीज़ पता होगी। तो जब हम अ अक्षर का, अ के स्वर का उच्चारण करते हैं, तो वो यहाँ पेट के आसपास से आपको निकलता हुआ अनुभव होगा। तो आप यदि अभी आँख बंद करके उच्चारण करके देखिए, तो आपको अनुभव होगा कि पेट के आसपास कहीं से ये शुरू हो रहा है, वो उसकी ध्वनि, उसकी जो आवाज़ है वो वहाँ से शुरू हो रही है, और फिर वो पूरे शरीर को ऊपर की तरफ आती हुई आवाज़ होती है, पूरे शरीर को वो कंपाती है, गुंजाती है, पूरे शरीर में वो गुंजन, एक कंपन अनुभव होता है। तो अ वहाँ से निकलता है। फिर जब उ का उच्चारण करते हैं हम, तो ऊ जो है ये अनाहत चक्र जो आपको यहाँ बना हुआ दिख रहा है, हृदय चक्र भी इसको कहते हैं, अनाहत चक्र। तो हृदय के पास से शरीर के यहाँ बीच में, यहाँ से निकलता हुआ वो स्वर प्रतीत होता है, ऊ का स्वर। तो अब आप वो भी बोल के देख लीजिए मेरे पीछे पीछे, और अब जब दोनों को एक के बाद एक बोल के देखेंगे, और दोनों लगभग एक ही तरह के समय में बोले, तो यदि आप अ यदि 2 सेकंड के लिए बोल रहे हैं, तो ऊ भी 2 सेकंड के लिए बोल के देखिए, यदि दोनों 3 3 सेकंड है, तो दोनों 3 3 बराबर का समय देना इस तरह से। तो जब आप आंख बंद करके ये दोनों बोलेंगे, तो जैसे ही आप ऊ बोलते हैं, तो आपको तुरंत अनुभव होगा कि आवाज़ जो है नीचे से अपने आप ऊपर धीरे धीरे चल के आती है, मतलब शिफ्ट हो जाती है, यदि आप अंग्रेजी में भी थोड़ा समझेंगे, तो आवाज़ का जो उद्गम स्थल है वो बदल जाता है, क्योंकि वो अब जो है अनाहत चक्र, जो आपको यहाँ वीडियो में, यदि मेरा वीडियो भी दिख रहा है तो आपको दिखेगा, इस जगह पे अनाहत चक्र के आसपास से वो आवाज़ ऊ का जो स्वर है वो आना प्रतीत होता है। और फिर अंततः ये जो है हमारा कंठ का जो भाग है, ये विशुद्धि चक्र है, जो आप यहाँ देख सकते हैं। तो कंठ से जो म का स्वर है, म की जो ध्वनि है, म असल में एक व्यंजन है, तो म की ध्वनि कंठ से आपको आती हुई प्रतीत होगी। तो अब आप तीनों को एक साथ, अ उ और म, तीनों को एक साथ, और म को अंत में म नहीं बोलना है, मतलब मुंह को बंद रख के बोलना है, तो इस तरह से। और शायद आप में से कई लोगों को ये चीज़ पता भी होगी, तो लेकिन कुछ लोग नए भी हो सकते हैं, इसलिए मैं हर किसी के लिए पूरी तरह से बता रहा हूँ। तो अब चलिए आँख बंद करके एक बार तीनों का उच्चारण साथ में करके देखते हैं। तो आपको अनुभव होता है कि अ पेट के नीचे से, उ अनाहत चक्र के आसपास, हृदय के आसपास से, और म
जब कहते हैं तो वो कंठ से निकलता है, तो उस निकलने के बाद फिर वो ऊपर की तरफ ही पूरे शरीर में जितना भी भाग अब बचा है उसके ऊपर उसको वो गुंजाता है या कंपाता है। तो अब लाभ की जो मैं शुरू में बात कर रहा था ओम की, तो लाभ यही है कि शरीर की जो ऊर्जा प्राकृतिक रूप से जिस दिशा में जानी चाहिए, शरीर के चक्रों को सही रखने में और शरीर का हर काम, चाहे वो खून से जुड़ी हुई चीज़ें हों, चाहे बाकी क्रियाकलाप से जुड़ी हुई चीज़ें हों, शरीर का हर काम बिल्कुल अच्छे से हो, उसके लिए हमारे चक्रों का सही काम करना, एक दूसरे से मिल के काम करना आवश्यक है। तो जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो ये जो स्वर चलता है नीचे से ऊपर, ये उसमें मदद करता है आपके चक्रों को एक दूसरे के साथ मिल के काम करने में, एक दूसरे की मदद करके काम करने में मदद करता है। तो अब जब हम शुरू में कह रहे थे कि ओम, जैसे मान लीजिए कुछ लोग लिखते भी हैं कहीं कहीं, लिखना चालू करने के पहले पन्ने के ऊपर ओम लिखते हैं, तो उसका भी ये महत्व है कि ओम लिखा तो आपने, लेकिन लिखने के साथ बोलिए भी, जब आप उच्चारण करेंगे तब असल में शरीर को फायदा होगा। तो इसलिए भी हमारे हजारों मंत्रों में, ग्रंथों में ओम जो है आपको लिखा मिलेगा, जब भी आप उसको उच्चारण करेंगे तो शरीर को, हमारे शरीर को उसका फायदा होता है, जो भी उच्चारण करेगा उसको फायदा होगा। तो लिखा हुआ ओम से कुछ फायदा नहीं है, लेकिन उसको जब आपने बोला तब उसका फायदा है, तब उसका लाभ है। तो अभी हमने फिर महाशिवरात्रि, आपको ज़्यादा सबको पता होगी, तो महाशिवरात्रि का महत्व क्या है? तो एक तो बड़ी चीज़ है कि महाशिवरात्रि को हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में, धार्मिक रीतियों में एक बहुत महत्वपूर्ण रात माना गया है, उसको शिव पार्वती की विवाह की रात भी मानते हैं। पर महाशिवरात्रि को इसलिए इतना महत्व मिला है क्योंकि उस दिन ये जो ऊर्जा है जो अभी मैंने आपको दिखाई कि जो नीचे के चक्रों से ऊपर के चक्रों की तरफ जाती है, इस ऊर्जा का संचार महाशिवरात्रि की रात को पूरे साल भर में, पूरे वर्ष भर में सबसे ज़्यादा होता है। तो सबसे बड़ी बात वही है, और इसलिए ही हमारे धर्म में महाशिवरात्रि को अलग से स्थान दिया गया है, क्योंकि ऋषि मुनियों ने ये पहचान लिया था कि ये होता है। तो इसलिए महाशिवरात्रि की रात को पूरी रात जगना चाहिए। और आपको शायद पता होगा कि बहुत सारे बड़े शिवा बड़े छोटे शिव जी के मंदिरों में और घरों में भी लोग करते हैं, जागरण करते हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं महाशिवरात्रि की रातों पे, क्योंकि उस दिन यदि आप जग रहे हैं और सीधे बैठे हैं, मान लीजिए आप नहीं भी जग रहे, आप सो गए लेकिन सीधे बैठे बैठे सो गए, तो आप कुल मिला के ज़रूरत क्या है कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है पीछे, क्योंकि ये चक्र जो है असल में रीढ़ की हड्डी पे है, तो असल में जब मैं बोलता हूँ कि पेट से आवाज़ निकल रही है तो वो असल में चक्र जो है उस जगह के ठीक पीछे होता है, रीढ़ की हड्डी पे। तो ज़रूरत क्या है कि रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। तो उस दिन यदि आप बैठेंगे या खड़े रहेंगे, किसी भी तरह से जागते रहेंगे उस रात को, महाशिवरात्रि की रात को, तो सबसे ज़्यादा लाभ जो है शरीर को अपने आप मिलेगा। तो उस दिन यदि आप साल भर के ओम बोलने का लाभ एक रात में लेना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि की रात को पक्का जागिए, और बैठ के जागिए, मतलब ऐसे सोते सोते या लेटे लेटे जागने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए। सीधी का मतलब है पृथ्वी के परपेंडिकुलर। तो यदि आप चाहे ज़मीन पे हों, चाहे अपने फ्लैट में, कहीं भी हों, पर सीधा होना ज़रूरी है, धरती के परपेंडिकुलर, तो उसका पूरा लाभ मिलेगा। तो चलिए आज हम यहाँ पे रुक जाते हैं, और जब भी आपको कुछ जवाब कुछ किसी भी प्रश्न का उत्तर देना है तो आप हमेशा आम कह के उत्तर दे सकते हैं। आम का मतलब होता है हाँ संस्कृत में, और यदि आप किसी मित्र से बात कर रहे हैं तो आम मित्र या आम बंधु या आम सखी, जो भी जिससे भी आप बात कर रहे हैं, चाहे वो लड़का हो लड़की हो। और ज़्यादा सम्मान देना है तो आप उस उनके लिए आम महोदय या आम महोदया भी लगा सकते हैं,
महोदय लड़कों के लिए और महोदया लड़कियों के लिए। तो चलिए आज हम यहाँ पे रुकते हैं। सर्वेशां नमो नमः, शुभ दिन।